इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से लगातार 76वें वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार 15 अगस्त को झंडोत्तोलन का कार्यक्रम बम्पास टाउन देवघर के जिला अध्यक्ष कार्यालय में यशोदा देवी के द्वारा मनाया गया। इसमें मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश के चेयरमैन नवेंदु भूषण पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष रीता सिंह, परमंडलीय महिला अध्यक्ष मीना झा, लक्ष्मी देवी, नीलम झा, अनंत कुमार राज, सविता मिश्रा, सत्यनारायण यादव आदि गणमान्य अतिथि लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, आप केबल से लाइव डॉट इन के देख रहे हैं। आइए आज आपको यशोदा देवी जी से और उनके समर्थकों से कुछ बातचीत करते हैं। 15 अगस्त आज जैसे कि माननीय मोदी जी हर हर घर तिरंगा का जो नारा दिया था उसके उपलक्ष्य में कितना जोश और कितना उल्लास के साथ ये लोग मना रहे हैं, उस उपलक्ष्य में थोड़ी बातचीत करते हैं। माननीय मोदी जी जो नारा दिए थे कि हर घर तिरंगा, और जैसा कि देवघर जिला में, झारखंड का देवघर का प्रमंडल के देवघर जिला में देखने के लिए कल से ही हम देख रहे हैं कि हर घर तिरंगा का जो ये किया गया है, वैसे में क्या एजेंडा है, कैसा लग रहा है आपको, किस तरह का स्टेटमेंट आप? ये हर घर तिरंगा देख के बहुत खुशी महसूस आ रहा है कि ये बहुत दिन के बाद जो है सो ये आज़ादी का माहौल हम लोग को बीच में आया है और बहुत खुश लग रहा है। जो सब हम लोग बहन भाई जितना है सब घर घर तिरंगा जो है सो लगवा के अपने यहाँ लगा के और ये तिरंगा का सम्मानित किया, बहुत अच्छा हमको लगा। लग रहा है कि जैसे देश के ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, ये पहली बार इस तरह का ये वो काम किए हैं, बहुत खुश आ रहे हैं। तो आप लोग सभी कार्यकर्ता लोग हैं, आपको क्या कहना है इस मैटर पे? इसमें 2 मिनट पहले हमरा पहले 2 मिनट आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस और 1947 में हमारे जो है सो देश आजाद हुआ था अंग्रेज से और ये 75वां साल है, उसी खुशी पर जो है सो तिरंगा हम लोग लहरा के और सब मानवाधिकार का जितना हमारा टीम है, पदाधिकारी हैं, सब मिल के हम लोग जो है सो ये झंडा फहराए, झंडा तुलन किए और जितना हमारे अतिथिगण आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, सबको मेरा प्रणाम और मीडिया का भी प्रणाम और यही बात अपना पानी को विराम देते हैं।